तुर्की के नए ड्रोन ने चीन, इसराइल और अमेरिका के तमाम विमानों की छुट्टी कर दी है। अमेरिका, चीन और इसराइल अपनी ड्रोन तकनीक पर गुमान करते हैं, लेकिन तुर्की ने इस नई तकनीक से इतिहास रच दिया है। तुर्की के नए ड्रोन की उड़ान देखकर हर कोई हैरान है। तुर्की के इस ड्रोन का नाम TB3 है। तुर्की के TB3 ड्रोन को छोटे और सटीक हमला करने वाले विस्फोटकों और मिसाइलों से लैस किया जा सकता है। साथ ही इसकी मदद से निगरानी और जासूसी के मिशन को भी अंजाम दिया जा सकता है। तुर्की के इस ड्रोन को बायर कतार कंपनी ने बनाया है और तुर्की के इस ड्रोन की रेंज 1600 किलोमीटर है और ये 24 घंटे तक उड़ान भर सकता है। ये ड्रोन अब तुर्की की नौसेना का समुद्र के अंदर शक्ति प्रदर्शन कर सकेगी। इसमें इंफ्रारेड कैमरा भी लगे हैं, जिससे निगरानी में आसानी होगी। ये ड्रोन समुद्र से लेकर जमीन तक कहीं भी हमला कर सकेगा। यही नहीं, अगर इस ड्रोन को कुछ रेडार से लैस कर दिया जाए तो ये हवा में एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म के रूप में भी काम कर सकेगा। तुर्की चाहता है कि वो अपनी सेना को ज्यादा से ज्यादा मानव रहित तकनीकों से लैस कर दे। बायरकतार TB3 मानव रहित ड्रोन ने तुर्की की नौसेना के ड्रोन कैरियर युद्धपोत TCG अनादोलू पर न केवल लैंड किया बल्कि उससे बाद में उड़ान भी भरी। तुर्की दुनिया में ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। सेलकुक ने TB3 ड्रोन की इस उपलब्धि का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। बायरकतार ने इससे पहले भी एक वीडियो पोस्ट किया था और बताया था कि किस तरह से एक ड्रोन युद्धपोत के फ्लाइट डेक के आसपास मंडरा रहा था लेकिन उतरा नहीं था। बायरकतार ने TB3 ड्रोन के उतरने के बाद अभी बहुत कम जानकारी दी है। TB3 ने पिछले साल पहली बार उड़ान भरी थी। जमीन पर इसने पहली बार स्की जंप टेस्ट का अभ्यास किया था। बायरकतार TB2 लड़ाकू ड्रोन का यूक्रेन की सेना जमकर इस्तेमाल कर रही है और रूसी सेना को काफी नुकसान पहुंचाया है। TB2 ड्रोन का सीरिया और लीबियाई तथा अजरबैजान आर्मेनिया की लड़ाई में भी जमकर इस्तेमाल किया गया था। इन ड्रोन की मदद से अजरबैजान की सेना को आर्मेनिया के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी। अनादोलू युद्धपोत का डिजाइन स्पेन के जुआन कार्लोस एक हमलावर युद्धपोत के आधार पर किया गया है। इस युद्धपोत के अंदर टैंक और अन्य सैन्य वाहनों तथा बड़े पैमाने पर सैनिकों को आसानी से ले जाया सकता है। बता दें कि तुर्की ने पहले योजना बनाई थी कि TCG अनादोलू को अमेरिका F-35 विमान से लैस किया जाए। इस बीच तुर्की ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम ले लिया, जिससे अमेरिका ने उसे F-35 फाइटर जेट देने से मना कर दिया था। तुर्की की योजना थी कि 100 F-35 फाइटर जेट खरीदा जाए। इसमें से कुछ ऐसे थे जो युद्धपोत पर वर्टिकल लॉन्च किए जा सके। अब F-35 विमान से बाहर होने के बाद तुर्की के पास कोई विकल्प नहीं है और इसी वजह से वो अपने ड्रोन सिस्टम इस युद्धपोत के लायक बनाने में जुट गया है। तुर्की के विरोधी ग्रीस को अमेरिका ने F-35 फाइटर जेट दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।